हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं अरशद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बिहार वासियों को भाई दो नेशनल हाईवे का तोहफा मिल चुका है। जी हाँ, बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दो नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दोनों नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, NH-122B और NH-527। आप NH-122B है जो कि हाजीपुर के झरुआ से लेकर के महनार के बीच रोड है। अभी फिलहाल दो लेन का है, लेकिन आने वाले समय में ये 4 लेन का होगा। इसकी मंजूरी मिली है और 527E के निर्माण से लाखों बिहार वासियों को इसका फायदा मिलेगा। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में काफ़ी कम समय मतलब लगेगा और आराम के साथ आ सकेंगे और जा सकेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपयों का खर्च आने का अनुमान है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों हाईवे को अपनी मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में टेंडर निकालने का प्रक्रिया शुरू होने वाला है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के दो राष्ट्रीय राजमार्ग का तोहफा दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से जिन दो नए हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है वो NH-122B और दूसरा जो है NH-527E है। इन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने में करीब 1000 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है। बताए कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों से आधारभूत संरचना पर 1000 करोड़ रुपयों का निवेश किया जा रहा है। उसी क्रम में बिहार में हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। दोनों ही हाईवे का रूट तय मतलब किया गया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि NH-122B जो कि हाजीपुर महनार बछवाड़ा से होकर गुजरेगी, इसके निर्माण में करीब 470 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। वहीं NH-527E दरभंगा से रोसड़ा के बीच बनाई जाएगी, इसके निर्माण पर तकरीबन 495 करोड़ रुपये खर्च होने की अनुमान है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि दोनों योजनाओं के जल्द ही टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर कोई नया न्यूज़ आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसी तरह से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।